हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान, स्वागत है आपका INN24 पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बस्तर के मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली की हुई शिनाख्त, घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान बरामद। सुकमा दंतेवाड़ा की सरहद पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सही सलामत लौटी पार्टी। और कुसमुंडा SECL अंतर्गत क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन, कई टीमें ले रही हिस्सा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बने सीडी और स्टिंग ऑपरेशन कांड से पार्टी को उबारने में नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव की अहम भूमिका मानी जा रही है। सीडी और PL पुनिया के खिलाफ साजिश के स्टिंग ऑपरेशन को भाजपा ने मुख्य मुद्दा बनाया हुआ था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के सीडी कांड में जेल जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस का इस बदनामी से उबरना मुश्किल होगा, परंतु ऐन वक्त पर पार्टी हाईकमान का नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव को चुनावी कमान सौंपना दुर्गामी निर्णय साबित हुआ। बेहद कम समय में TS सिंहदेव ने पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बढ़ाया ही, साथ ही आम आदमी में वोटरों में नई आशा भी जगाई। दरअसल चुनाव से साढ़े चार महीने पहले से TS सिंहदेव ने 1,00,000 लोगों से संपर्क कर जन घोषणा पत्र बनाने के लिए प्रदेश भर में सभी समाज, धर्म, वर्ग, व्यवसायिक संगठनों, यहां तक कि आम लोगों से मिलकर जन घोषणा पत्र में उनके विचारों, जरूरतों और मांगों को समाहित करने की कवायद में लगे हुए थे। उनके इस प्रयास और पहल का बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा था। ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रति अविश्वास और निराशा को इस जन घोषणा पत्र ने विश्वास और आशा में बदल दिया। आम लोगों को कांग्रेस में TS सिंहदेव में एक आशा, उम्मीद और विश्वास नजर आई, जिसका सकारात्मक प्रभाव मतदान के दौरान दिखाई पड़ा। एक समय जब राज्य में भाजपा की एक तरफा जीत दिखाई पड़ने लगी थी, आज स्थिति उसके एकदम उल्टी नजर आ रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद ही यह पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी, परंतु अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित ही इस सरकार का नेतृत्व TS सिंहदेव को सौंपा जा सकता है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र ने समाज के हर वर्ग को खासा प्रभावित किया। किसानों का कर्ज माफी, 2 साल का रुका बोनस देने का वादा, धान की कीमत 2500 रुपए किए जाने जैसी बातों ने बड़ी तादाद में मतदाताओं का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है, ऐसा समझा जाता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर हक दिलाने की बातों ने भी इस वर्ग को कांग्रेस तरफ मोड़ने में खासी भूमिका अदा की। ऐसी तमाम बातें इस घोषणा पत्र में थी जो मतदाताओं का मन बदलने में सहायक हुई है। हालांकि चुनाव परिणाम ही यह तय करेंगे कि भाजपा के संकल्प पत्र ने मतदाताओं को प्रभावित किया है या कांग्रेस के जन घोषणा पत्र ने। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। विश्व हिंदू परिषद के बस्तर जिला अध्यक्ष ईश्वर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने व अध्यादेश लागू करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य आगामी 2 दिसंबर को बस्तर सांसद को ज्ञापन सौंपेंगे और 18 दिसंबर से गाँव में विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ईश्वर राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई न करने से और सुनवाई हेतु बेंच का गठन न करने से राम मंदिर बनाने में देरी होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। वहीं अब विश्व हिंदू परिषद 2 दिसंबर को बस्तर सांसद को ज्ञापन देगा व मांग करेगा कि केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए या अध्यादेश लाए, जिसे राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सके। श्री राम जन्मभूमि वे भव्य मंदिर निर्माण को लेकर कानून बनाए जाने को लेकर श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण संबंधी कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए और वहां पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें, इस विषय को लेकर जो राष्ट्रव्यापी हमारी जो विश्व हिंदू परिषद के उच्च स्तरीय समिति के बैठक में जो निर्णय लिया गया, उस बात को लेकर बैठक रही।
समस्त जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद से मिलकर सांसद को कानून बनाए जाने के संबंध में उनसे आग्रह करना, और बस्तर जिले में ये जो है 2 तारीख को 2 दिसंबर 2018 सांसद को ज्ञापन देने के लिए हम लोग निकले। उसके बाद हमारा 18 तारीख से 25 तारीख तक अनुष्ठान होंगे घर गांव गांव और प्रत्येक पूजा स्थलों में संबंध में अनुष्ठानें होंगी, और धर्म सभा जो है 2-3 जगह पर बड़ी धर्म सभा होगी। कुसमुंडा SSCL अंतर्गत क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ। ये आयोजन 3 दिसंबर तक चलेगा। SSCL की कुल 14 टीम जिसमें कुसमुंडा सहित सोहागपुर, रायगढ़, गेवरा, विश्रामपुर, CWS कोरबा, दीपका, CEWS गेवरा, बैकुंठपुर, जोहिला, हसदेव, चिरमिरी, भटगांव की टीमें भाग ले रही हैं। खेल के शुरुआत में कुसमुंडा और गेवरा CEWS के मध्य मैच हुआ, जिसमें कुसमुंडा ने अपने पहले मैच में CEWS गेवरा को 6-0 से परास्त किया। ये हम लोग का अंतर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जो हर साल की भांति इस साल कुसमुंडा क्षेत्र को आयोजन करने के लिए इसका मौका मिला। आज मैच का दूसरा मैच हम लोग कुसमुंडा क्षेत्र विरोध CEWS गेवरा के मध्य खेला गया, जिसमें हमारी टीम 6-0 से विजयी रही। और ये कर्मचारियों के हित और कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के मध्य ध्यान रखते हुए ये प्रतियोगिता का आयोजन हर एक साल किया जाता है। यहाँ आए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, यहाँ व्यवस्था है और अच्छा लग रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग आ नहीं रही थी हमारी टीम, इस बार किसी तरह बना बनू के लाए हैं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ की, और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग चिरमिरी क्षेत्र से आए हैं, और क्या बोलते हैं 15 लोग हम लोग आए हैं, और यहाँ मतलब SSCL की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज आपका मैच किस किस से? आज हमारा मैच क्या बोलते हैं चल रहा है, इसमें हमारे टोटल SSCL के 14 टीमें भाग ली। इसमें हमारे मेजबान कुसमुंडा टीम, गेवरा, दीपका, CEWS गेवरा, कोरबा एरिया CEWS कोरबा एरिया, भटगांव, चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, जोहिला, सुहागपुर, रायगढ़। ये कितना दिन चलेगा? ये मैच 3 दिन का है, नॉकआउट बेसिस पे है ना, आज ओपनिंग है हमारे डीपी साहब के थ्रू। सुकमा में ऑपरेशन प्रहार 4 के तहत नक्सलियों के खिलाफ सुकमा पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में लगातार सफलताएं मिल रही हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने किश्ताराम के साकलेर में 2 DVC सदस्यों समेत 9 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी कड़ी में सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें DRG और STF की संयुक्त टीम ने 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर माड़वी सोमड़ा उर्फ शंकर को मार गिराया। पुलिस की टीम ने घटनास्थल से नक्सली कमांडर के शव के साथ उसका आधुनिक हथियार भी बरामद किया है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। इसके लिए सुकमा जिले से बुधवार को DRG और STF की संयुक्त बल फुलबगड़ी थाना क्षेत्र के माड़ोपारा, मुलेर, गंधारपारा व जंगल पहाड़ी क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। ऑपरेशन के दौरान गुरुवार 29 नवंबर की सुबह 10:30 बजे मुलेर के जंगल में जवानों की टीम पहुंची। यहां नक्सलियों ने जंगल में अस्थायी कैंप लगा रखा था। जवानों को अपनी ओर बढ़ता देख नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। कार्रवाई करते हुए जवानों ने भी नक्सलियों को माकूल जवाब दिया। जंगल और पहाड़ी का फायदा उठाते हुए नक्सली भाग गए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर मौके से जवानों को एक वर्दीधारी नक्सली और एक SLR हथियार समेत बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुआ। मारे गए नक्सली की पहचान माड़वी सोमड़ा के रूप में हुई है, जो नक्सलियों के प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था। जो फुलबगड़ी थाना क्षेत्र का मुलेर और गोगुंडा का जंगल है, उसमें मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक प्लाटून कमांडर मारा गया था, जिसका नाम माड़वी सोमड़ा था। ये इसका नक्सली द्वारा दिया हुआ नाम है, इसका असली नाम माड़वी शंकर है, और ये पिड़मेल का रहने वाला है। उम्र करीबन 28 से 30 साल थी इसकी। ये 2007 में नक्सलियों में भर्ती हुआ था, और धीरे धीरे अपने काम से इसने
काम के अकॉर्डिंग इसको रैंक बढ़ाते बढ़ाते अभी रिसेंटली पिछले साल इसको प्लाटून कमांडर प्लाटून 30 का बनाया गया था और SLR वेपन इसको दिया गया था। इसके साथ में इसका वेपन भी रिकवर हुआ है। जो स्पॉट है एनकाउंटर का वहाँ पे दिए हुए निशान जो वहाँ पे मिले हैं उन पे और जो स्पॉट्स जिस तरह की फायरिंग हुई है उससे देख के लगता है कि 8-10 और नक्सली इसमें घायल हुए हैं या मारे गए हैं, उनके फ़ोटोज़ भी मीडिया के साथ शेयर किए गए हैं। साथ ही कई सारे पिट्ठू बैग, दैनिक उपयोग का सामान, रेडियो सेट और ये सभी चीज़ें स्पॉट से रिकवर हुई हैं। बस्तर में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तुंगपाल दरभा इलाके के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। जगदलपुर के DRG की टीम ने सफलता हासिल की है। कल हुए मुठभेड़ जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हुई है और घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शांति मुंडा मंडावी के नाम से शिनाख्त किया गया है। बताया जा रहा है कि महूपडर LOS और राजकोट LOS के पूर्व सदस्य है। उस तारतम्य में मुहूरी के सूचने के हिसाब से हमने 2-3 पार्टियां रवाना की गई थी, जो हेलेनार और बटरीमाऊ गुरुपाल के बीच में माओवादी का जमावड़ा है और उनकी आगामी प्लानिंग ये था कि कुछ अपने डिस्टर्ब करें नेशनल हाईवे पर जीरम घाटी को। उस हिसाब से यहाँ से 2 DRG टीम रवाना की गई थी एलंगनार को कवर करते हुए, इन लोग आगे गश्त करते हुए निकल रहे थे। उसी दरमियान सामने मतलब पुलिस वालों के जो माओवादियों का जो ग्रुप था उनकी तरफ फायरिंग किया गया। उस दौरान DRG के माध्यम से भी फायरिंग किया गया जिसमें माओवादी LOS डिप्टी कमांडर शांति वो फायरिंग के दौरान मारा गया। बस्तर में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत DRG पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग पर निकले DRG और नक्सलियों का आमना सामना दरभा के एलंगनार में हुआ। करीब एक घंटे चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली महिला को मार गिराया। बाकी नक्सली जवानों को भारी पड़ता देख अपने साथी का सब छोड़कर जंगल की पहाड़ी का आड़ लेकर भाग निकले। इस इलाके की सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी महिला नक्सली शव और उसके पास से हथियार बरामद किए हैं। मारी गई महिला नक्सली को मुख्यालय जगदलपुर लाया गया है जहां उसकी शिनाख्त शांति मंडावी के रूप में की गई है। कैमरा पर्सन बादशाह खान के साथ विजय पचौरी, जगदलपुर। खबरों में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए INN24 पर। Please keep watching INN 24.